अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने इसके पहले शुमाल मशरक़ भारत का मसला, इस पर रोशनी डाली और इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल की, तो प्यारे बच्चों आइए अब हम इसी का अगला मरहला यानी एक्सरसाइज नंबर 3 यानी पैराग्राफ नंबर 3 जिसका हम तफसीली मुतालिया करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फ़िरका परस्ती क्या है? फ़िरका परस्ती, हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे बीज जो नफ़रत के बीज बोए हैं उसे फ़िरका परस्ती कहा जाता है। आज इंसान अपने मज़हब को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर, हम सबसे आला और दूसरे का मज़हब सबसे नीचा, ये दिखाने की कोशिश करता है। ये एक मजहबी अंधापन है जो हमें कौमी यकजहती से रोकता है। फ़िरका परस्ती, मेरा मज़हब सबसे ऊंचा और दूसरे का मज़हब उससे नीचा यानी अदना, मैं सबसे आला और मुझसे नीचे सब, ये इंसान को महसूस होने लगता है। और किसी कम्युनिटी के, किसी समाज के लोगों के साथ अगर कुछ हो जाए तो उन्हें ये लगता है कि मेरा मज़हब नीचा है, इसलिए मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की जा रही है, और वो अपने आप को अदना सा महसूस करने लगता है। तो ये हमारे अंदर फ़िरका परस्ती आम तौर पर फैल चुकी है। तो हमें इस मुल्क में सदियों से जो है हम आहंगी के साथ लोग रहते आ रहे हैं, और हमें इसी हम आहंगी के साथ यानी मिलजुल के जो है हिंदुस्तान में रहना है और साथ में ही जीना मरना है। हमें एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना चाहिए, हमें एक दूसरे की परेशानियों में एक साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ तक मजहबी अंधापन हो चुका है कि लोग रस्म रिवाज भी जो है अपने अपने तरीके से मनाने लगते हैं। हमारा मज़हब सबसे आला, दूसरे का मज़हब सबसे अदना, ये दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है। कोई मज़हब नीचा, कोई मज़हब ऊंचा नहीं है, सारे मज़हब एक जैसे हैं। हमें एक दूसरे के मज़हब का इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो। तो हमें ये जो मसला है, ये मसला बहुत पेचीदा मसला दिन पर दिन होते जा रहा है, क्योंकि ये मसला जो है अंग्रेज़ों ने हमारे बीज में जो है बीज बो के गए थे, आज वही मसला हमें जो है बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें एक दूसरे के साथ हम आहंगी में रहना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहार साथ में मनाना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में रहना चाहिए, और हमें जो है नफ़रत मिटा देना चाहिए। तो फ़िरका परस्ती ये जो है मजहबी अंधापन है, यानी कि मेरा मज़हब सबसे ऊँचा और दूसरे का मज़हब आला, ये दिखाने की कोशिश करता है इंसान। तो फ़िरका परस्ती में हमें ना आना चाहिए, और हमें जो है सबको मिलजुल के साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहारों में, एक दूसरे के प्रोग्राम में, एक दूसरे के जलसों में हमें जाना चाहिए, हमें एक दूसरे के सुख दुख में जाना चाहिए, और हमें जो फ़िरका परस्ती को जो है मिलजुल कर इस फ़िरका परस्ती को दूर करना चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क जो है तरक्की याफ्ता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।